एमएलसी की महाभारत सबसे तेज नतीजे लगातार आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सुबह लगातार 8 बजे से देख रहे हैं और लगातार दर्शकों तक हम पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं क्योंकि हर सीट पर हमारे संवाददाता हैं, वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं और हमारा मकसद है कि आपको बताएं कि किसका मंगल हो रहा है और किसका अमंगल हो रहा है। बातें कही जा रही थी कि टक्कर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, कहीं पर भी टक्कर नजर नहीं आ रही है, कहीं पर भी खाता तक नहीं खुला है, समाजवादी पार्टी 0-0 पर नजर आ रही है। सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का, 0 अभी लिखा हुआ है समाजवादी की पार्टी के, क्योंकि अब तक खाता नहीं खुल रहा है, यानी बीजेपी बम्पर जीत के साथ, बीजेपी की 3 होली हो चुकी है, पहले होली खेली, फिर नतीजों की होली और फिर विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर होली खेल रही है बीजेपी। और इसलिए हम कहते हैं कि चुनाव मतलब जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, क्योंकि सबसे सटीक सबसे पहले विश्वसनीयता के साथ हम खबर आप तक पहुंचाते हैं। 32 सीटें बीजेपी ने जीत ली है, 3 सीटें अदर्स के खाते में और महज 1 सीट का इंतजार किया जा रहा है। एक सीट बाकी है, बस एक सीट के बाद इंतजार खत्म हो जाएगा। हमारे साथ अजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, एक सीट का इंतजार बाकी है बस। देखिए बिल्कुल जेपी, एक सीट का इंतजार बाकी है, 36 में से 33 बीजेपी के पास और 3 निर्दलीय। जो हम पहले से कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही मैदान छोड़ दिया, सिर्फ रघुराज प्रताप सिंह के करीबी अक्षय प्रताप सिंह जनसत्ता दल, ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और आजमगढ़ जो एमएलसी हैं बीजेपी के एमएलसी हैं जसवंत सिंह, उनके बेटे विक्रांत, यानी 3 सीटों पर बीजेपी के अलावा निर्दलीय आगे, बाकी 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही। यानी ये साफ है कि जो क्लियर मैंडेट है उसका मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया और जो कहा जा रहा था क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, बीजेपी लगातार सभी सीटों पर बढ़ा था। और 40 साल बाद इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतिहास दोहरा रही है कि वो 1982 में नारायण दत्त तिवारी के समय में एक बार विधान परिषद में बहुमत आया था कांग्रेस का और उसके बाद 40 साल यानी 4 दशक बाद 2022 में योगी आदित्यनाथ वाली जो 2 सरकार है यानी दूसरी सरकार है उसमें विधानसभा और विधान परिषद में एक साथ बहुमत होगा। तो अब समाजवादी पार्टी ने तो एक तरीके से मैदान ही छोड़ दिया, यहां सिर्फ सुनील साजन को 200 वोट मिले और देखिए ये धीरे धीरे हलचल यहां पर बढ़ रही, बीजेपी जीत गई है जी। जी क्या कहेंगे, रामचंद्र प्रधान तो बहुत वोटों जीते लेकिन 33 सीटों पर भाजपा आ गया। आगे आगे देखिए, भाजपा लगातार बढ़त बनाती रहेगी, अभी असली रिजल्ट तो आपको लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। ऑफिस में 75 पार, 75 की 75ों, 75 80 है, 75 नहीं 75 पार है, 75 पार है जी। क्या कहेंगे, तीन लगातार, बिल्कुल 100%, अब कोई सामने नहीं है, अब ये लोग गायब हैं, 10-20 साल तक पूरी तरह कहीं नजर नहीं आएंगे ये। देखिए पूरी तरह से गायब है, कि उत्साह है, मुस्कुराहट बता रही है, जो जीत की मुस्कुराहट होती है वो बिल्कुल अलग तरीके की मुस्कुराहट होती है, हालांकि इसका चपेरा बिल्कुल अजीत अजीत हम लौटेंगे।